हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा ही, आप लोगों के लिए मेजर या फिर माइनर वालों के लिए बन रहा है। अगर आप लोग मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में चूज किए हैं, यानी कि बहुत लोग यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट लेते हैं, तो आप लोग सिंपली से इस वीडियो पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। एक एक करके हम पूरे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, तो इनमें से आपका पहला यूनिट आता है। और पहले यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के परिचय मूलभूत अवधारणा के बारे में लिखिए। इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब पढ़ाया गया है तो अच्छी बात है। और आपको बता दूं, अगर आपके पास यहाँ पर नोट्स नहीं है, यानी आप कह सकते हैं आपके पास स्टडी मटेरियल या फिर कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, यानी जावा के इतिहासिक कथनों और लक्षणों के बारे में लिखिए। वो आपका जावा के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, स्पेशली एमपी वालों के लिए बन रहा है। लेकिन अगर आप में से बहुत लोगों का यहाँ पर जावा सब्जेक्ट है, तो आप लोग चाहे कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो वीडियो देख लीजिए, बस आप लोग अपने सिलेबस में इन टॉपिक को मिला लेना। के बाद फिर हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, जावा तथा सी एवं सी प्लस के बीच में आपको क्या बताना, अंतर बताना है, इन दोनों के बीच अच्छे तरीके समझ लेना। जावा क्या है, जावा सी प्लस आप लोग आगे पढ़ लोगे। फिर आपके आता है जावा तथा वर्ल्ड वाइड वेब में डब्ल्यू तथा ब्राउजर के बारे में लिखिए। पास जावा जो है इसके साथ साथ आपको बस आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह इनको समझ लोगे, तो इजीली आप लोग इनका क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसके बाद फिर आता है आपका जावा टोकेंस के बारे में, इसके बाद फिर आपका आता है जावा वर्चुअल मशीन के बारे में लिखिए। आपको इतने ही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे, का यहाँ पास वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, फ्यूचर में चल के इन्हीं से क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में हमेशा आते ही रहेंगे। अगर कोई भी सिलेबस में प्रॉब्लम आती है फिर चेंज होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन आता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो यहाँ पर देखते रहेंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पास पूछा गया है जावा के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर जरूरत के बारे में लिखो, आपको प्रोग्रामिंग शैली के बारे में यहाँ पास आपको बताना है, आप लोगों को जावा के स्टाइल्स के बारे में यहाँ पास बतानी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना दूसरा यूनिट, जावा में स्थिरांक के बारे में लिखिए। जावा के जो भी यहाँ पर संकेत स्थिरांक है उनके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे जावा में कितने वेरिएबल्स होते हैं, उनका वैल्यू कितना होता है और कितना यहाँ पर स्कोप होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देनी है। फिर आपका आता है जावा में डाटा के प्रकार के बारे में लिखिए। आपका आता है ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछेंगे ही। बता दूं कि जितने भी आप क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, बस आप लोग इतने करके जाइएगा, इसके बाहर कोई भी कवर मत करना, आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। इसका क्वेश्चन आप लोग इजिली रेडी कर लोगे तो आप लोग इजिली आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका पेपर होता है तो मुझे क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। अगर आप कुछ भी चाहिएगा तो सिंपली से आप लोग मुझे मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं व्हाट्सअप के लिंक्स आपको एक अलग से ही दे दूंगा। क्या था जावा में गलती एक्सप्रेशन के बारे में लिखो। एंड पांचवा आपके आता है जावा में एक्सप्रेशन के मूल्यांकन और यहाँ पास जो आपका टाइप्स कन्वर्जन है उनके बारे में यहाँ पास आपको समझाना है। और अभी क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो जावा में गणितीय ऑपरेटरों के, जावा में जितने भी गणितीय ऑपरेटर हैं यानी मैथमेटिकल फंक्शन वगैरह है या फिर ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में आपके यहाँ पर बताते जाना है। तो यहाँ पास आपके आता है जावा में नियंत्रण यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। यहाँ पास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ है लूप्स के बारे में, लूप्स आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, लूप्स से बहुत सारे क्वेश्चन पड़े तो आप लोग इजीली कवर कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना तीसरा, तीसरे में हमारा पहला क्वेश्चन आता है जावा में वेरिएबल तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड निर्माण, आपके यहाँ पास क्या मेथड के बारे में बताना है, यानी कि विधियों के बारे में बताना है, ये सब आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन ही है। उसके बाद फिर आपका तीसरा नंबर आता है जावा में क्लास परिभाषित करने के बारे में लिखिए, यानी कि यहाँ पास आप लोगों को जावा के जो क्लासेस होते हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से आपके यहाँ पर डिफाइन करनी है। अगर आप लोग जावा को अच्छे तरीके स्टडी करेंगे तो आपके इजीली यहाँ पर बन जाएगा। जो भी कंस्ट्रक्टर्स है उनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर उनके बारे में समझ लोगे तो। इसके बाद फिर आपके आता है जावा में ओवरराइडिंग मेथड स्टैटिक सदस्य के बारे में लिखिए। आपका इनहेरिटेंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आते ही है, तो जो इनहेरिटेंस है आप लोग इनको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना। हमेशा आपके आता है जावा में एरेज के बारे में लिखिए, यानी कि एरे के बारे में यहाँ पास आपको बताना है, क्योंकि एरे एक ऐसा टॉपिक है चाहे आप लोग सी प्लस प्लस पढ़ लो उनमें यहाँ पास एरे पूछा ही जाता है, लैंग्वेज होते हैं उनमें एरे होता ही है। जो आपका इंटरफेस हो गया और वेरिएबल हो गया, यहाँ पर जो एक्सेस होते हैं उनके बारे में आपको समझा देना है। साथ में हम नौवां क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ जावा में ट्रक से मेथड
यानी कि आप लोग कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट मेथड के बारे में यहाँ पास बताने का, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, साथ में यहाँ पास कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाता है, साथ में यहाँ पास आपसे पूछा गया है जावा, जावा में यहाँ पास जो आपका फाइलाइजर के बारे में ये भी आपको यहाँ पास समझाना है। पास कोई भी सीरीज वगैरह होंगे उनमें बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे, अगर आपके पास सीरीज वगैरह कुछ भी नहीं है तो सिंपल से आप लोग मुझे कमेंट कर दे कि आप लोगों को यहाँ पर मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। एंड इसके बाद हम लोग चौथा वीडियो में देखेंगे जावा में पैकेज के बारे में यहाँ पर लिख देना है। प्लीज इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जावा में आपके जो नेमिंग है इनके बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोग जो नेमिंग कीवर्ड है आप लोग ध्यान रख लेना। साथ में यहाँ पर आपका जो जावा में यहाँ पर ब्रेड क्लास वगैरह जो होते हैं आपके यहाँ पर पूछा जाएगा जावा में, तो ये पूरे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं पूरे जावा का ही है, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पास बनेंगे पूरे जावा के रिलेटेड ही बनने वाले हैं। सकता है कि हमारा थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर दे दे, तो आप लोग उन क्वेश्चन को टिक करते जाइएगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सिंपली ज्वाइन हो जाना, हम बाद में आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। जावा में यहाँ पर जो आपका सिंक्रोनाइजेंस के बारे में है उनके बारे में आपको बताना ही है, साथ में आपके जो यूज डबिंग है यानी जावा में जितने भी यहाँ पर डबिंग्स वगैरह होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही, तो आप लोग इन क्वेश्चन को रेडी कर लेना। साथ में यहाँ पर जो आपका जावा के जो वेब पेज वगैरह हो गए उनसे भी क्वेश्चन बनेगा, साथ में यहाँ पर जावा में यहाँ पर एचटीएमएल यानी कि वेबसाइट का तो एचटीएमएल के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेना और आपको यहाँ पर लिखना है। एंड इसके बाद फिर आप लोग को आता है पांचवा मिनट, तो पांचवा मिनट में आपके आता है जावा में एप्लेट टैग के बारे में आपको बताना है, सामने को अलाइन करना है यानी अलाइन कैसे किया जाता है उनके बारे में आपको यहाँ पर समझा देना। साथ में यहाँ पर जाता है जावा में संख्यात्मक मानों को प्रदर्शित करने के बारे में लिखिए यानी कि राइट अबाउट डिस्प्ले नमोनिक वैल्यू के बारे में आपको बताना है, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना। जावा में यहाँ पर जो आपके कंट्रोल लूप्स आते हैं आप लोग इनको देख लेना, लेकिन यहाँ पर कहाँ पूछा गया एप्लेट्स के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग एप्लेट्स में आपको जावा बताना है, जावा का कंट्रोल बताना है, तो सिंपली आप लोग इनको रेडी कर लेना। साथ में यहाँ पर जो आपका इनपुट और आउटपुट है उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, साथ में यहाँ पर जो जावा का हैंडलिंग प्राइमरी डाटा टाइप्स है उनके बारे में आपको बता देना है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको ज्यादा लग रहा होगा तो आप लोग कंप्लीट 3 यूनिट तक अच्छे तरीके रेडी कर लेना, फिर 4 यूनिट अच्छे तरीके से रेडी कर लेना बस होगा। अगर आप लोग पूरे कंप्लीट यूनिट अच्छे तरीके चाहते हैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बस मैं आपको इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ, साथ में यहाँ पर जो आपका बफरिंग फाइल्स है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पास में जितने भी टॉप क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मैं टॉप 10 क्वेश्चन हर यूनिवर्स से दिया हूँ, जिससे आप लोग टॉप क्वेश्चन आप लोग इजीली अच्छे तरीके से कर लो, अगर आपके पास कम टाइम बचे हुए हैं तो आप लोग इजीली कर लोगे। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो अपना हिंदी से लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे अपना हिंदी से क्वेश्चन देखेंगे, प्लस एग्जाम में हिंदी से ही लिखेंगे। अब चलिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो सिंपली आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, मैं आपके यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा वो भी कम कॉस्टली में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।